ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम जय जय किसान में, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं कुछ युवाओं से, उन युवाओं से जो कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में कुछ करना चाहते हैं, उनके लैब असिस्टेंट जो कि उन्हें लैब टेक्नीशियन जो कि उन्हें प्रैक्टिकल करवाते हैं, प्रयोग करवाते हैं, वो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से चर्चा शुरू करते हैं। बालमुकुंद जी, किस प्रकार से आप इन लोगों को प्रैक्टिकल करवाते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल थोड़ा अलग है। ये प्रैक्टिकल असल में धूल में जाना सबसे बड़ा इसके लिए जरूरी है, पसीना आना इसके लिए जरूरी है। प्रैक्टिकल में हम स्टूडेंट को सिखाते हैं कि वो कैसे किसान प्रैक्टिकल में किया जाता है जी, और नए टेक्निकल के बारे में और सिखाते हैं, ताकि किसानों तक वो टेक्निकल पहुंच सके जी, और उसके बारे में बताना कैसे काम करता है ट्रैक्टर और खेत में कैसे काम किया जाता है, और कई प्रकार की चीज़ें हैं जो कि हम स्टूडेंट को सिखाते हैं और उनको प्रैक्टिकल के बारे में बताया जाता है जी। मतलब आप सबसे पहले उन्हें खेत में जाकर ये सिखाते हैं कि किस प्रकार से किसान काम करता है, वो बात बताना उन्हें बहुत ज़रूरी है। जी सर जी, चलिए मैं वापस स्टूडेंट्स के पास आता हूँ। जी आप बताइए जी, प्रैक्टिकल के दौरान क्या लगता है आपको? आपको उस समय कहीं ऐसा महसूस तो नहीं होता कि हम कहाँ आ गए, इसकी बजाय तो मैं केमिस्ट्री की लैब में ज़्यादा अच्छा था, फिजिक्स की लैब में ज़्यादा अच्छा था? मेरा नाम मोहम्मद इब्रार आलम है जी, और मैं बिहार कटिहार से हूँ जी। सर ऐसा कभी नहीं लगता, क्योंकि हम एक मतलब कृषि परिवार से बिलोंग करते हैं जी, तो हमें ये अच्छा लगता है कि वो हमारे घर में कैसे काम होते हैं और यहाँ टेक्निकली कैसे काम होते हैं, तो हमें ये अच्छा लगता है देख के कि हाँ कुछ सीख रहे हैं, कुछ मतलब किसान के लिए कुछ कर सकते हैं, ये सोच के अच्छी लगती है। क्या चीज़ आप कृषि परिवार से हैं, आप किसान परिवार से हैं, क्या चीज़ आपको लगता है किसानों को वो चीज़ मिले तो उससे किसान थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, क्योंकि किसान की हालत बहुत दयनीय होती जा रही है लगातार? जी जी बिल्कुल, किसानों के लिए सबसे बड़ी बात है इम्प्लीमेंट जी, मतलब कोई भी मतलब इम्प्लीमेंट उसे से मतलब एफर्ट नहीं कर पाते हैं, वो उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं या फिर ये फसल में उसे मतलब फ़ायदे नहीं होते हैं, जिसके कारण वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं और उसके लिए खुद उसे मेहनत करनी पड़ती है। अगर इम्प्लीमेंट उसके पास रहे तो उसका टाइम की भी बचत होगी और उससे उपज भी ज़्यादा होगी। लेकिन आप ये बताइए, किसान को अपने खेत के लिए बहुत सारे इम्प्लीमेंट चाहिए, अनगिनत चाहिए जी, कितने खरीद सकता है किसान, क्या करे उसके लिए? उसके पास तो इतना पैसा नहीं है कि वो सारे इम्प्लीमेंट्स खरीद ले, क्या तरीका हो सकता है उसका? जो मतलब उसके ज़्यादा टाइम बचा सके वो उसको एफर्ट करना चाहिए पहले। अगर उससे अगर फसल से ज़्यादा फायदा हो उसे तो वो उसको प्राइमरी जो है उसको एफर्ट करना चाहिए, उसके बाद जो मतलब कॉस्टली है उस पर ध्यान देना चाहिए जी। आप जी कहाँ से हैं आप? सर मेरा नाम प्रशांत कुमार है, मैं बिहार से हूँ जी। प्रशांत, क्या सोच के लिए आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, क्या करना चाहते हैं आगे? सर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मैंने इसलिए लिया कि किसान अगर जब फसल उगाता है खेत में, उसके बाद उसके प्रोसेसिंग किया जाता है सर, उस दौरान से क्या आता है बहुत सारे फसल बर्बाद हो जाते हैं सर जी, उस वजह से हमारी जो लोगों के पास पहुंचने चाहिए जितनी प्रोडक्ट फूड वगैरह वो पहुंच नहीं पाती है सर, तो उस वेस्टेज को सेव करने के लिए मैं ये कैसे वर्क कर सकता हूँ उसके ऊपर, उसके लिए सर स्टोरेज हाउसेज बनाने पड़ते हैं सर, उस स्टोरेज हाउसेज के अंदर हम फसल को स्टोर कर सकते हैं, टेम्परेचर वगैरह के अंदर मेंटेन कर सकते हैं, ताकि जो महंगाई वगैरह बढ़ती है सर वो उसी कारण से बढ़ती है, जब ज़्यादा महंगाई हो उस फसल की तो उस स्टोरेज से निकाल के उसके अंदर डाल दे तो एक मिनिमम रेंज पे आ जाएगी, और जब सर ज़्यादा फसल होने लगे उसको स्टोर कर सके सर, उसको मेंटेन कर सके हम। जी हाँ प्रशांत, आपने वाकई बहुत अच्छी बात की है। असल में खेत से लेकर ट्रांसपोर्टेशन, स्टोर हाउस, स्टोर से बाजार, बाजार से लेकर आदमी तक जब फसल पहुंचती है तो उसके बीच में जो उत्पाद पहुंचता है उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि उसका ट्रांसपोर्टेशन ढंग से नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए कि उसका स्टोरेज ढंग से नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए कि उसको हैंडल ढंग से नहीं किया गया। अगर इस अनाज को जो कि हमारा वेस्ट जा रहा है, जैसा कि उन्होंने कहा कि जो कि ख़राब हो रहा है, अगर हम इसे भी बचा लें तो बहुत सारे लोग जो कि भूखे सोते हैं उनके लिए अनाज इकट्ठा हो जाएगा। बहुत अच्छी बात प्रशांत आपने कही, आप इतनी देर से चुप थे, लग रहा था कुछ आप अलग नया कुछ बोलेंगे, एक बार जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। और हाँ,
आम आदमी भी इस चीज़ को बचा सकता है, अगर वो थालियों में झूठा छोड़ना बंद कर दे, अगर वो थाली में सिर्फ उतना ही ले जितना उसे ज़रूरत है, अगर वो होटल रेस्टोरेंट में जाके जिस प्रकार से झूठा छोड़ता है, जिस प्रकार से अन्न की बर्बादी होती है, अगर उस अन्न की बर्बादी को भी रोके तो कहीं ना कहीं किसान के लिए एक मदद है, कहीं ना कहीं किसान के लिए एक अच्छी बात है जिससे कि उसे थोड़ा कम मेहनत करना पड़े, उसे उत्पादकता के लिए इतना भागना ना पड़े। चलिए ठीक है, नेक्स्ट जी। सर मेरा नाम आशीष रंजन है सर, मैं औरंगाबाद बिहार से हूँ। सर पहली बात तो कि जो आजकल जो किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं सबसे आम बात हो गया सर, तो सर उसका सबसे पहले तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके, क्या तो, कारण है आत्महत्या का, क्या लगता है आपको? सर उसमें होता है कि सर जैसे हम किसान लोग हैं वो मगर खेती किया सर, जितना खर्चा लगा खेती किया उस और खेती के बाद उसके बाद सर उसको उतना मतलब प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, और उतना लागत में जितना खेती में कि उसको टोटल खर्च लगा उतना मतलब उतना भी उसको प्रोडक्शन करके उसको किसी जगह बेच नहीं, पैसा नहीं मिल पाता उसका, दाम उसको नहीं मिल पाता, दाम नहीं मिल सकता है उसको सर। तो उस पर सर एक कुछ प्लानिंग करके सर या कुछ प्रोजेक्ट वैसा बनाकर सर ऐसा कुछ किया जा सके जो उन लोग आत्महत्या से कुछ राहत मिले, कुछ बच सके उन लोग। जी हाँ, बहुत आहत हैं आशीष किसानों की आत्महत्या से और उस पर कुछ काम करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, किसानों के लिए बड़ी समस्या वाली बात है, अगर उत्पादन ज़्यादा हो जाए तो उन्हें दाम नहीं मिलता और अगर उत्पादन ना हो तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, दोनों ही तरफ से किसान के लिए बड़ी समस्या वाली बात है। लेकिन किसान फिर भी देख लीजिए आप, लगा रहता है, कभी हारता नहीं है, कभी हार नहीं मानता, फिर भी खेतों में जाता है, अगली बार फिर और इसी प्रकार से वो आगे बढ़ता रहता है। चलिए वापस आते हैं पटेल जी के पास में। पटेल जी, जी सर, क्या और नई चीज़ें हैं जो कि आप इन्हें बताना चाहेंगे आगे आने वाले समय में? सर बच्चों को ये जानकारी देना चाहते हैं कि जब भी आप किसानों के लिए कुछ सोचिए तो उसको सिर्फ सोच तक ही सीमित मत रखिए, उसको फील्ड में भी ले जाइए। जी, जैसे हमारे यहाँ आजकल वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिकों ने लैब में तो बहुत अच्छे से डेवलप कर लेते हैं लेकिन उसको किसानों तक पहुँचाने के लिए जी उसको सालों लग जाते हैं सर। जी हाँ, तो उसको कहीं ना कहीं ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम वैज्ञानिकों को महीने में कम से कम 15 दिन फील्ड में ही उनको रहना चाहिए जी, यदि वो सारी रिपोर्ट कंप्यूटर से ही बना करके भेजते रहेंगे जी तो उससे हमारे किसानों को भला नहीं होगा जी। और सर किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि वो उत्पादन तो कर लेता है जी, लेकिन वो अपनी ही चीज़ का अपना खुद का दाम नहीं लगा सकता है, उसके लिए कहीं 1200-1500 रुपये लागत आती है तो उसको 1600-1700 रुपये मिलता है। बिल्कुल सही आपने बात कही, मैं स्टूडेंट्स के पास ही आना चाहूँगा वापस, क्या तरीका है जिससे किसान अपने उत्पादन का सही दाम ले सके, किस प्रकार से वो इसको कर सकता है? जी हाँ, आप ही से पूछ रहा हूँ, आप मना मत कीजिए जी, किस तरीके से आप उनको दे सकते हैं जिससे कि जो उत्पाद उसने उगाए हैं उसका उसे अच्छा दाम मिल सके, क्या सोचते हैं? सर मेरा नाम आकाश कुमार है, मैं बिहार खगड़िया से हूँ। जी सर, किसानों के लिए जो प्रोडक्ट जो हार्वेस्टिंग के बाद वो घर में लाते हैं जी, तो उसके लिए मैं ये करना चाहता हूँ कि उसको सुटेबल प्राइस मिलना चाहिए, क्या ये सही नहीं है कि वो उसे प्रोसेस करके बेचे? मान लीजिए किसी ने ऑरेंज उगाया तो वो उसके जूस बनाए, उसके जेली बनाए, अचार बनाए, जो कुछ फल हैं, और उसमें करके बेचे तो उसे ज्यादा अच्छा दाम मिल सकता है। हाँ, बोलना चाहेगा इस पे? यस सर जी, दीजिए पीछे। सर जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम अगर डायरेक्टली सेल करते हैं तो डायरेक्ट किसानों को कम मार्जिन मिलता है जी, पर अगर उसमें हम वैल्यू एडिशन कर देते हैं उसमें मार्केट के लिए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बेटर हो जाता है। अगर आप 1 किलो कोई सेब खरीदता है तो वो लगभग आपको 70-80 रुपए का मिलता है, पर अगर इसी का हम जूस को सही से पैकेज करके मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं तो वो कम से कम 150-200 रुपए लीटर आ जाता है लगभग ऐसे ऐसे करके, मतलब आप उसको प्रोसेस करके बेचना चाहते हैं, काफी इफेक्टिव होता है, काफी इससे फायदा होता है, पर छोटे किसान इस चीज को नहीं कर पाते, उनको डायरेक्टली सेल करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई ऐसा स्कीम बने जो कि छोटे किसान के लिए हेल्पफुल हो और उनको वो वैल्यू एडिशन कर सके उसमें तो वो उनके लिए काफी सहायक होगा, हेल्पफुल होगा। सर पास वाले उनको माइक दीजिए भाई साहब को जी, क्या कहते हैं आप इस बारे में? सर मेरा नाम दिव्यांश शर्मा है, मैं कोटा से बिलोंग करता हूँ, कोटा राजस्थान से। कोटा अपने आप में एक बहुत अच्छा बेल्ट माना जाता है खेती के लिए। यस सर जी। सर एक्चुअली इसके लिए अपन को यह करना चाहिए कि मतलब जो प्रोडक्शन है जी, ठीक है,
उनको मतलब जो फार्मर्स हैं उनको इतना नहीं पता है कि उसको सेल आउट वगैरह कैसे करना है जी। तो ऐसी कोई कम्युनिटी बनाई जाए उनके बीच में जी, कि जिसको नॉलेज हो कि मतलब सेल आउट कैसे करना है, ठीक है, कितना इनका प्राइस लगना चाहिए, ठीक है, अगर अगर नॉलेज और अच्छी हो जी, तो मे भी शायद वो फॉरेन कंट्री में सेल आउट कर सके वो चीज़ें जी, उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा वहाँ से वजह अपेक्षा कि यहाँ सेल आउट करें वो जी, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे यहाँ पे मतलब एजुकेशन मतलब उनको एजुकेट करना कि कितना मतलब उनको चाहिए, किस हिसाब से सेल आउट करना है उनको, ठीक है, कैसे उनको बिजनेस करना है, कैसे उनको अपनी मतलब इकोनॉमी जो है वो सही करनी है जी। हाँ बिल्कुल सही बात है, जब तक उन्हें दाम नहीं मिलेगा तब तक वो इसी प्रकार हताश रहेगा जी। नेक्स्ट जी। सर मेरा नाम है विकास, मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हूँ। जैसे आपने बताया था सबसे ज़्यादा जरूरत आप ही की है विकास जी। सर जैसे आपने बोला कि सिर्फ फार्मर ही नहीं गवर्नमेंट भी इसके साथ में है, MSP जैसे कि मल्टी मिनिमम सेलिंग प्राइस जो होती है, स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है, जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है उसमें क्या किया जाता है कि जैसे कि एक जो गवर्नमेंट होती है वो हार्वेस्टिंग से पहले ही किसी भी चीज़ की प्राइस फिक्स कर देती है जी। अगर उसकी प्राइस अगर गिर जाती है हार्वेस्टिंग मतलब कल्टीवेशन के बाद प्रोडक्शन के बाद, तो जो गवर्नमेंट है वो सारे मतलब उसी प्राइस पे जो फिक्स प्राइस है वो उससे फार्मर से वो खरीद सकती है। आप क्या करना चाहेंगे उसमें सर? जो मिनिमम जो है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, मतलब आप कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ें अच्छी तरह से स्ट्रीमलाइन हो जाए जी। सर चलिए ठीक है, आगे दीजिए माइक जी। हाँ आप ही के पास जी। सर जी क्या करना चाहेंगे आप? अभी तक माइक आपके चारों तरफ घूम रहा था। यस सर जी बोलिए। सर मैं ये करना चाहता हूँ, जैसे कोई भी प्रोडक्शन हुआ उसमें वेस्टेज जो होते हैं जी, तो हमारे किसान के पास ऐसा ऐसा मशीन नहीं है जिससे वेस्टेज को वो बचा सकें, या अभी आपने बोला था जैसे कि मतलब किसी भी चीज़ का, जैसे हम मान लें सेब का, सेब अगर प्रोडक्शन हुआ तो मतलब वो अच्छे सेब तो चले जाते हैं किसान के पास से बिक जाते हैं, जो खराब बच जाते हैं उसको हम लोग जूस बना सकते हैं, लेकिन किसान के पास ऐसे मशीन नहीं है जो कि वो सेब का जूस बना सकें, इसलिए उन्हें वेस्ट करना पड़ता है, उन्हें फेंकना पड़ता है, मतलब वो वेस्टेज में हो जाते हैं, उसका कोई यूज नहीं हो पाता है सर जी। हाँ मतलब जो बचा हुआ उसकी प्राइस नहीं लग जाती, इसी कारण से सेब के रेट हाई हो जाते हैं, जो वेस्टेज है उसका यूज नहीं हो पाता है और अच्छे ही सेब का जूस बन जाता है, और वो वेस्ट वाले कुछ ऐसे भी सेब होते हैं कि हाफ वेस्ट होते हैं और हाफ बच जाते हैं, तो उसका हाफ से मतलब ग्रेडिंग करके कुछ सेब को आगे भेज दे और जो बचे हुए सेब है उनका वो प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन करके उसे भेज सके, ये जरूरी है, और इसके लिए आप कुछ मशीन बनाना चाहते हैं जी। बहुत बढ़िया जी। हाँ लास्ट में जी बताइए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अभी MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि भारत सरकार द्वारा गवर्न किया गया है जी, जिससे कि एग्रीकल्चर में जो किसान जो फसल उगाते हैं अगर ज़्यादा प्रोडक्शन भी हो जाता है तो उससे कोई मतलब नहीं है, अगर सरकार जितना पैसा फिक्स किया है कि उतना में उसका प्रोडक्शन खरीदा जाएगा, तो अगर ज़्यादा मार्केट में अगर वो सामान उपलब्ध है फिर भी सरकार उतने पैसे में खरीदती है जितना कि उसे पहले फिक्स किया गया रहता है। और सबसे और दूसरा तरीका है कि हम लोग उसको स्टोर करके भी रखा जा सकता है, जैसे जी हाँ ये काम की बात की आपने कि उसे स्टोर करके रखा जा सकता है, एग्जांपल के तौर पर पोटैटो लिया जाए, 5 रुपए किलो वाले प्याज फिर 200 रुपए किलो बेच सकता है, एग्जांपल के तौर पर पोटैटो लिया जाए फिर उसको कोल्ड स्टोर में रख दिया जा सकता है, और जब उसकी जरूरत हो उसके हिसाब से उसको निकाला जाए, ताकि क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के कोल्ड स्टोरेजेस, इस तरह के स्टोरेज, इस तरह के वेयर हाउसेज किसानों की पहुंच में होने चाहिए जिससे कि बिचौलियों के पास ना जाए प्याज या किसी भी तरह की चीज़, और वो उसका दाम उन्हें अच्छे समय पर मिल सके जी। हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट एक ऐसा तरीका ईजाद करना चाहती है जिससे कि गाँव में या उसी के आस पास कोल्ड स्टोर हो, जिससे बीच के ज़रूरत पे जाने ना पड़े और हम सीधे अपना जो सामान हम प्रोड्यूस करते हैं उसको सीधे हम अपने कोल्ड स्टोर में रखें, अब जब ज़रूरत हो भारत के लिए या किसी और भी देश के लिए उस सामान की क्राइसिस हो, अगर जैसे कि प्याज जी, फिर अगर हम उसको अपने तरीके से निकाल सकते हैं और अपने दाम पर उसको बेच सकते हैं, ताकि भारत के सभी किसानों को कुछ इससे भी फायदा हो जाए और जो कंज्यूमर है उसको भी ज़्यादा पे नहीं करना पड़े उस सामान को खरीदने के लिए। पटेल जी, BSc एग्रीकल्चर और BSc इंजीनियरिंग, मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और BSc, इन दोनों में
क्या बेसिक फ़र्क है जो स्टूडेंट्स के बीच में आप बताना चाहेंगे? जी हाँ, बेसिक एग्रीकल्चर में हम क्रॉप का कैसे मैनेजमेंट करते हैं, क्रॉप का कैसे प्रबंधन करते हैं, तो हम उसके बारे में जानते हैं जी। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हम कैसे उसमें आधुनिक तकनीक का यूज करेंगे जी, तो इसमें तकनीकी ज्ञान मिलता है, जैसे हम सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन कैसे सेव कर सकते हैं जी, और ये सारी चीज़ें इसमें जानकारी दी जाती हैं, फूड प्रोसेसिंग से लेकर के दी जाती हैं। और इसमें जो आप अभी बात कर रहे थे सर कि किसान सेब क्यों रखता है, उसको प्रोसेसिंग क्यों नहीं करता जी, तो मैं इसके बारे में एक जानकारी देना चाहूँगा कि किसान जो होता है वो अपनी एक फसल हार्वेस्टिंग करने के बाद नई फसल उसकी सोइंग का समय आ जाता है, तो उसके पास समय नहीं होता है, लेकिन उसके घर में जो बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट की एक स्कीम चल रही है, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन जी, जिसके थ्रू करीब 20 किसान, उसमें क्या है कि सिर्फ औरतें ही उस सेल्फ हेल्प ग्रुप में रह सकती हैं, शादीशुदा औरतें जी, तो वो लोग अपना एक ग्रुप बना करके उसमें फंडिंग बहुत अच्छी करती है गवर्नमेंट, तो उसके द्वारा अपना फंड ले करके अपना स्टोर हाउस ये सारी चीज़ें बना सकते हैं जी, और प्रोसेसिंग मशीनें खरीद करके उसका अच्छे से क्रय कर अपना बेच सकते हैं, अच्छा उत्पादन करके प्रोसेसर करके। चलिए स्टूडेंट्स के पास एक बार दोबारा आते हैं, पशुपालन भी कृषि का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसमें कोई कुछ करना चाहेगा पशुपालन के, क्योंकि वहाँ पर भी समय पर इंजीनियरिंग की बहुत ज़रूरत है, मशीनों की बहुत ज़रूरत है, कौन बताना चाहेगा? जी जी, आज जैसे खाना हम लोग के लिए सबसे ज़रूरी है, उस तरह से हर प्रोटीन वगैरह जो भी कार्ब्स वगैरह है वो लाइफ स्टॉक से लेना ज़रूरी है, जैसे हो गया मीट हो गया, मिल्क हो गया, बट मिल्क में क्या है कि मतलब जरूरी नहीं है कि वो सब मैन पावर करे, वो उसमें हम लोग टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, और जैसे और सारी ब्रांचेज है, मतलब CS हो गया, वो प्रोग्रामिंग करके ऐसे मशीन बनाए और हम लोग ऐसे वो उनको नॉलेज दे और वो हम दोनों कंबाइन होके एक ऐसे मशीन बनाए कि मतलब जो भी हो विदाउट मैनुअली हो जी, और वो काम करे इस तरह कि वो सीधा वहाँ से मिल्क निकाले और सीधा यहाँ पे जो चाहिए मिल्क से वो प्रोसेसिंग करके वो सीधा कंज्यूमर के पास पहुँचे, हाइजेनिक हो, पौष्टिक हो, हाइजेनिक वगैरह सब चीज करके हम मशीन से ही करेंगे, मैनुअलिंग भी आप इस तरह से कर जी, सकें जी जी। और कोई कुछ करना चाहेगा पशुपालकों के लिए? चलिए जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, जब हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जब आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे उनके दिमाग में कई तरह के आइडियाज़ आते हैं, कई तरह की चीज़ें आती हैं, तो उन्हें इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, सोचना शुरू करते हैं, और उसके बाद जब वो खेतों में जाते हैं, फील्ड में उतरते हैं, तो उन पर काम करना शुरू करते हैं। पटेल साहब, किस प्रकार तैयार करते हैं आप इन लोगों को आगे जॉब में जाने के लिए, आगे अपना खुद का काम शुरू करने के लिए? जी सर, इन लोगों को आजकल आधुनिक तकनीक के बारे में जानकारी दी जाती है कि कैसे फील्ड में किसान किस प्रकार से अपना काम करता है, और किसान को यदि ड्रिप इरिगेशन करना है तो वो अपना सरफेस इरिगेशन करता है जी, तो आप लोग उसमें 90% तक वाटर अपना सेव कर सकते हैं ड्रिप इरिगेशन के द्वारा जी, तो आप किसानों को इस तकनीक के द्वारा किसानों के लिए जो हमारा वाटर कंजर्वेशन का भी हमारा उससे काम होता है जी, कि जहाँ पर हमारा 100 लीटर यूज होता है, आप ड्रिप इरिगेशन के द्वारा 10 से 15 लीटर यूज करके आप अपना काम कर सकते हैं जी, और ये सारी चीज़ें बच्चों को बताई जाती हैं सर, और प्रोसेसिंग के उसमें कि हम यदि टोमेटो डायरेक्ट बेचते हैं और टोमेटो सॉस होता है हमारे पास जी, एक टोमेटो से हम कम से कम 10-15 पैकेट टोमेटो सॉस की बना सकते हैं जी, लेकिन वही है कि इसका फ़ायदा डायरेक्ट इंडस्ट्री वाले ले जाते हैं और किसानों को इसका फ़ायदा एक भी नहीं मिल पाता है जी, तो किसानों को कहीं ना कहीं से इस तरह प्रॉब्लम होती है, तो यही सब जानकारियाँ बच्चों को दी जाती हैं कि ये आप अपना खुद का प्रोसीजर, जब इनका पूरा हो जाता है, आपका यहाँ का कोर्स पूरा हो जाता है, उसके बाद आप इन्हें इंटर्नशिप वगैरह में भेजते हैं, किस प्रकार की कंपनीज होती हैं वो? जी हाँ, कंपनीज हैं लाइक जैन इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन की कंपनियाँ हैं जी, और हमारा TTI सेंटर है, ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर के जी, तो हमारा हिसार है, बुधनी है, ये गवर्नमेंट सेंटर है, तो यहाँ पर जाते हैं, फिर डेयरी में जाते हैं बच्चे, डेयरी के अलावा फूड कंपनियों में जा करके अपना ट्रेनिंग इंटर्नशिप करते हैं, जिससे अपना कुछ खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग अपना किसानों को जाके अपना सारी जानकारी देते हैं। और इसके बाद अगर हायर स्टडीज़ में जाना हो तो क्या स्कोप है इस जॉब के? जी हाँ सर, इसके लिए बहुत
ही अधिक स्कोप है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जी। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बच्चे सिविल में भी जा सकते हैं और इसमें मास्टर करने के बाद इनको साइंटिस्ट बनने का अवसर मिलता है जी। और इनके लिए सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पर बच्चे यदि उसका एंट्रेंस क्रॉस करते हैं तो उसमें बच्चों को करीब 35,000 रुपये इनको स्कॉलरशिप मिलती है पर मंथ, जिससे अपनी पढ़ाई के साथ साथ और सारी चीज़ें अपना रिसर्च वगैरह सारा कर सकते हैं जी। जी सर, चलिए प्रिया जी, क्या नया देना चाहेंगी आप अपने इस कोर्स के बाद में, इसके बाद में किसानों के लिए क्या नया करना चाहेंगी, बहुत संक्षेप में, समय कम है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो यही बोलूँगी कि जैसे हम बोले थे कि मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस कैसे मिले, मिनिमम प्राइस तो गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस होती है कि फिक्स की जाती है जी। किसानों को जो हम मार्केट से खरीदते हैं वही प्रोडक्ट्स, वही चीज़ें, वो हमें तिगुनी रेट पे मिलती है, उसी चीज़ों को किसानों को उसकी लागत तक नहीं मिलती, कितनी बार ऐसे होती है। तो किसान ऐसा कर सकते हैं कि वो एक ट्रेडिशनल फार्मिंग ना करके जो अभी डिमांड में है उन चीज़ों की फार्मिंग करे, कैश क्रॉप की फार्मिंग करे, अदरवाइज मेडिसिनल फार्मिंग करे। मेडिसिनल काफ़ी डिमांडेबल है और प्राइस भी अच्छी मिलेगी उनको, वो ट्रेडिशनल धान चावल ना उगा के और कुछ की भी फार्मिंग कर सकते हैं। एंड अदर की वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, वो नॉर्मल जो पूरी चैनल के थ्रू वो अपना सामान बेचते हैं, प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उसको वो एक लिंक तोड़ें। और इसके पीछे ना गवर्नमेंट भी अपना ऐसा काम करे, वैसे करती तो है पर ये पूरी तरह से होती नहीं है, बहुत सारी स्कीम निकलती तो है पर किसान तक पहुंचती नहीं है, बहुत सारे ऑफिसर्स बैठे तो है पर वो इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी है। बहुत बढ़िया बात आपने प्रिया कही और बिल्कुल सही बात है। मेडिसिनल प्लांट्स की जहां तक बात कही, आयुर्वेद में भारत विश्व गुरु है लेकिन हम सिर्फ उसका दोहन करते जा रहे हैं। उन जड़ी बूटियों को जंगल से लेकर तो आ रहे हैं पर उन्हें उगाने की नहीं सोच रहे। अगर उन्हें किसान जड़ी बूटियों को अगर अपने खेत में उगाने लगे तो वाकई में वो एक ऐसी फसल है जिसमें लागत भी कम लगती है, क्योंकि वो खरपतवार की तरह होती हैं जो जंगल में अपने आप उग जाती हैं, उन्हें खेत में भी कोई बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, वो उग जाती हैं। परंतु क्योंकि उस पर हमारा ध्यान ही नहीं है, हम किसान को समझा नहीं पा रहे, पर इस युवा पीढ़ी को देखकर, इन युवाओं को देखकर हमें लगता है कि जी हां, हमारी खेती का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि हमारे लोग, हमारे युवा इस समय पर बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर तैयार हैं हमारे किसानों के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप सभी से एक बार मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप सभी लोग तैयार हैं किसानों के लिए? आप सभी लोग तैयार हैं एक बार फिर से किसानों को संबल देने के लिए, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए? तो एक बार जोरदार तालियां हमारे देश के किसान भाइयों के लिए। जी हाँ, तनी हुई बाजू मजबूत, मुट्ठी में बल रखता है, एक हाथ में डोरी वृषभ की, कांधे पर हल रखता है। जी हाँ, ये वही किसान है जो किसान हम सब लोगों तक पोषण पहुंचाता है, हम लोगों तक भोजन पहुंचाता है, और उसी किसान के लिए हम हर बार हमारा ये कार्यक्रम लेकर आते हैं जिसका नाम है जय जय किसान। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आज ही के दिन, आज ही के समय, किसी नए एक्सपर्ट के साथ, कुछ नए एक्सपर्ट के साथ, किसी नए विषय के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।